हेलो सर। सर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, मतलब आपके साथ। सर क्या बॉन्ड बना, क्या चीज़ था, कैसे शुरुआत हुई? सर सब पता नहीं सर, ये सब चीज़ बहुत दिन से सोच रहे थे कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सर बस सर नहीं लग, लेकिन फिर एक ख्याल आया कि सर आप खुद बोलते हो कि सर आप एक भाई जैसे हो, एक टीचर जैसे हो और एक वेल विशर हो सर। तो सर ये सब पता नहीं सर, नहीं रहा जा रहा था सर। तो सर बहुत कुछ बोलना था सर। और सर आज आज से 2 दिन पहले से मेरी क्लास ख़त्म हुई है। मैंने सर वो जो आपने स्कीम निकाला था 4 मंथ वाली क्लास की, एग्जीक्यूटिव की, मैंने वो क्लास परचेज की थी। वो एक ड्रीम कम ट्रू इफेक्ट था सर मेरा जो। और सर मैं प्राउडली बोलता हूँ सर, जो उस समय मैंने लिया, जो सोचा, वो मैं आज अचीव कर रहा हूँ। हाँ सर बहुत डाउनफॉल्स थे, कुछ कुछ चीज़ था, कुछ कुछ सही नहीं था, लेकिन सर एट लास्ट सर ये है कि सर जो चीज़ हम कभी नहीं समझे थे वो हम आज समझ सकें सर। आई नो सर ये थोड़ा बोरिंग होगा सर आपके लिए, बट सर मेन बात है ना सर, प्लीज़ सही, अगर ये सब बात नहीं बोलेंगे सर ये बात हमेशा के लिए बस रह जाएगा सर, क्योंकि पता नहीं फिर वो चीज़ कब मौका मिलेगा सर, कब ये सब चीज़ हम बोल पाएंगे आपको। तो सर की शुरुआत सर उसी चीज़ दिन से होती है सर, जब आपने अपने GST की सबसे पहली वाली क्लास अपलोड की थी, वो 19 आवर्स वाली जो आपने डाली थी, जो आपने लाइव आए थे। अब सर सर हम नहीं जानते थे CA विवेक गावा कौन है, हमको एकदम नहीं पता था ये कौन है, क्या है, कैसे हैं। बस ये था कि सर मेरा जून में सर एग्ज़ाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था सर मेरा 2019 में सर, पहला पहला अटेम्प्ट था मेरा। और मैं था कि मैं पटना में रहता हूँ सर, मेरा जो भी था पढ़ाई पटना से ही है सर, मैं सब कुछ पटना से कर रहा हूँ। तो ये था कि सर ठीक है, मैंने पढ़ा, सोच सो मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है जैसा हो जाएगा, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था कैसा क्या क्या नहीं। तो सर मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि पहली बार कोई टीचर है जो लाइव आने वाला है, जिन्होंने जिस 20 की उम्र में से उन्होंने CA बना है, वो लाइव आने वाले हैं GST में पहली बार। सर मुझे लगा कि कौन ये बंदा होगा जो इतने देर के लिए वो लाइव यूट्यूब पे शो कॉल किस बात के लिए आएगा, मुझे नहीं पता था सर उसको, इवन सर मैंने जानता भी नहीं था क्या है। तो मैं ठीक है मैं देखूंगा देखूंगा। तो मैं सर ऑन टाइम सर 5 बजे आके बैठ गया कि ठीक है चलो लेक्चर देखता हूँ, सर की लेक्चर आई हुई है ठीक है। सर मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला सर, मैंने सर्च किया CA विवेक गावा और आपका लाइव शो किया। सर उस समय जो फील हुआ सर मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ सर बुरा नहीं मानना। सर मैंने जैसे भी क्लिक किया सर, मुझे लगा कि मेरे जो हम मुझसे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं ना, मुझसे 1-2 साल बड़े बड़े फ्रेंड्स, वो लोग हैं, मतलब कौन है जो 1 साल बड़ा, जो मेरे जो लिटरली जो इतना एफर्ट्स डाल के पढ़ा रहा है बच्चे लोग को, ये तो कोई लड़का है यार। सर मैं ये सोच के हंसने लगा, अरे बाप रे कौन है जो ऐसे क्लास ले रहा है एकदम, वो भी खड़े होकर इतने कंटिन्यू बोल रहा है, और वो खुद बोल रहा है कि मैं लूँगा इतने देर क्लास। सर मैं बस था कि चलो ठीक है भाई, सर मुझे मैं जैसा पढ़ा था, जो मैं जानता हूँ कैसे पढ़ा सर, मुझे पता है सर, मुझे आप जो रिविजन करवा रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोलो। ऑफ कोर्स सर मैंने वैसे पढ़ाई नहीं की थी, जो कि फैक्ट है सर। तो मैंने छोड़ दिया, मैं फिर अपने काम में लग गया, इधर उधर जो पढ़ना पढ़ा, जो एग्ज़ाम की पढ़ना था पढ़ा, मैं नॉर्मली ले रहा था। तो फिर सर रात में मैं जब सोने जा रहा था अप्रोक्स 10 बजे के लगभग, मैंने चेक किया आप तब भी लाइव थे। और सर मेरे मन में बस एक ही ख्याल है कि ये डेडिकेशन है क्या सर? सच में सर मैंने बस ये सोचा कि ये डेडिकेशन है। मैंने अपने पापा को बोला कि पापा एक टीचर हैं जो अभी तक लाइव आके बैठे हुए हैं, जो अभी तक लाइव हैं अभी तक। पापा बोले होता है कोई के ऐसे होते हैं, पढ़ाने के लिए आए होंगे पढ़ा रहे होंगे सर। वो नॉर्मल हो गया, बहुत कुछ बीता सर, हम भूल भी गए कि CA विवेक गावा कौन थे। मेरा रिजल्ट नहीं निकला सर, क्योंकि इतना एफर्ट्स डाला नहीं था मैंने, मैंने इसके कारण मैंने दिसंबर का अटेम्प्ट नहीं दिया, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। फैमिली प्रेशर था सर बहुत, फाइनेंशियली भी होता है, घर में सबसे बड़े हैं सर, तो बहुत कुछ बोलने में था कि फिर से क्लास परचेस करना है। आई नो सर इट इज़ इट्स अ इन्वेस्टमेंट सर, लेकिन भाई को भी देखना था, छोटा भाई है सर, उसको बाहर भेजना था पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो मैं चुप रहा सर कि यार ठीक है सेकेंड ईयर BCom का एग्ज़ाम है, सेकेंड ईयर वो देख के मैं सोचूंगा। मुझे नहीं पता था सर मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हुआ सर, कोई नहीं है सर मोटिवेट करने वाला सर। आई नो पेरेंट्स होते हैं सर, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स साथ रहेंगे हमेशा सर, लेकिन सर टीचर्स में कोई नहीं था सर मेरे पास। एक वेल विशर जो होता है ना सर, मैं जहाँ क्लास करता हूँ BCom का, उन्होंने मुझे यही कहा कि आप पढ़ो पढ़ाई पर ध्यान दो। आई नो सर
लेकिन सर जो समझे तो क्या बीत रहा है मेरे अंदर, क्या चल रहा है मेरे अंदर। एक दोस्त के साथ कुछ बोले, फ्रेंड्स लोग सर क्या बोलेंगे। नहीं था सर, कोई ऐसा नहीं था जो सपोर्ट दे सब ये सब चीज़ में सर। वो फ्रेंड्स, हाँ सर, कोई कोई क्लोज वंस थे जिन्होंने समझाया कि एम है, मत पीछे हटो, बिल्कुल करो। और सर मैं कहीं ना कहीं साइड से लगा रहा कि यार नहीं, मैं करते रहूँगा, कहीं ना कहीं मैं करते रहूँगा सर, पीछे तो नहीं हटूँगा सर, चाहे कैसे यूट्यूब से लेक्चर देखना, कुछ भी करके मैं पीछे नहीं हटूँगा सर। सर 2019 कैसे बीता पता नहीं चला। 20 के स्टार्टिंग से मेरा रोल मॉडल बस यही था कि इस साल कुछ तो हमको अचीव करना है सर, हमको पढ़ना है सर। बहुत फ्रेंड्स ने ऑप्शन दिया सर कि इस साल कि यार CS ने ये सब चेंज कर, CS वाले ने चेंज कर चुका है, अब तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, आराम से हो जाएगा सर। लेकिन पता नहीं सर क्यों मुझे पढ़ना था सर, मुझे टैक्स पढ़ना था सर, मुझे सब कुछ पढ़ना था, क्योंकि सर मैंने पहले कुछ पढ़ाई नहीं की थी सर। मुझे जानना था या कि ऐसा होता क्यों है, क्यों ये होता है, रट के पास करके क्या मिलेगा सर। सर माई मेरे से मेरे पापा भी CA करना बनना चाहते थे सर in 90s में सर, इनका कुछ लास्ट लास्ट अटेम्प्ट आते इनका नहीं हो पाया, फिर फैमिली प्रेशर था, उन्होंने छोड़ दिया सर। सर मैं वो नहीं कर सकता था, मुझे सब कुछ चाहिए था सर, अटेम्प्ट भी करना था, पढ़ाई भी करना था, समझना भी था सर। और घर में बोलने से थोड़ा लगता था यार कैसे बोले पापा को सर, मतलब आप समझ लोगे सर कि बोलना सही है या नहीं, सही है सर, लेकिन क्या बोले, किस में बोले कि हम खुद तैयार नहीं है पहले पढ़ने के लिए, हम क्या चाहते हैं सर। जब होली के सर बाद या होली के पहले ही सर आपकी सर, मैंने उनको सब्सक्राइब तक नहीं किया हुआ था पहले, मुझे पता नहीं था कौन कैसा क्या है यार, मुझे कुछ समझ नहीं आता था कैसे पढ़े सर। मतलब फ्रेंड्स बात करते रहे कहाँ क्लास करें कैसे करें, नहीं समझ में आ रहा, टैक्स में क्या करेंगे, बाकी फेल हो जाएंगे, डिप निगेटिव सर 24 घंटे ही सोचते रहते थे सर, कुछ समझ नहीं आता था करना क्या है करना क्या नहीं है सर। एक पता नहीं सर, गॉड नोज़ या सर आपके ही आशीर्वाद थी सर, जो आप सबकी ब्लेसिंग्स मांगते हो, जो सबको देते हो सर। पता नहीं सर, अच्छा एक दिन अचानक सर यूट्यूब खोला, सर्च किया CA विवेक गाबा, बस यही सर्च किया और कुछ नहीं सर्च किया सर। पहली नोटिफिकेशन आई थी सर कि सर की GST क्लास 2020 की फॉर जून बैच स्टार्ट हुई है, दिसंबर में अप्रिकेल होती है सर। सर वो क्लास आई नो सर, मुझे वो दिन आज भी याद है सर, वो क्लास आपकी 2 घंटे कुछ मिनट की क्लास थी सर। सर मैंने फ़ोन ओपन किया सर, सर आई जी सब सच बोल रहे हैं सर, सर आई एम 22 सर, अभी हम सब 22 साल के हैं। हम सर आपके सामने ना मुझे झूल कुछ मिलेगा सर, ना कुछ कुछ खोएंगे सर हम। सर जो लड़का कभी बैठता नहीं था सर फ़ोन लेके पढ़ने के लिए सर, बस इग्नोर करते थे सर, वो लड़का उसने कंटिन्यू 2 घंटे बैठ के फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर, जिसने 2019 लास्ट देखा था CA विवेक गाबा को, इसने उस दिन सर को देखा और कंटिन्यू बैठ कर सर नोट्स बनाया फर्स्ट लेक्चर का GST का। और सब जब लेक्चर ख़त्म हुआ, फर्स्ट मेरा मोमेंट था कि यार टाइम का पता तक नहीं चला, ये 2 घंटे कुछ मिनट्स पास कैसे हो गया। सेकेंड फीलिंग कि यार कुछ पढ़े हैं हम कितने सालों बाद। थर्ड फीलिंग सर और पढ़ना है और जानना है, ये है क्या है क्या सर। वेट नहीं हो रहा था, वो दिन रात कटा कैसे सर हमको पता याद है सर, हमको और जानना है सर, और जानना है कब क्लास आएगी, कब सेकंड क्लास आएगी, कब आएगी कब आएगी सर। यूट्यूब पे कमेंट देखता था कि यार कोई बता दे कैसे, कुछ लिंक से शेयर होता है, कुछ तरीका से कुछ होता है। नेक्स्ट डे हुआ सर सेकंड क्लास, मैंने आपका देखा, उससे और समझ में आया और मेरी तरफ बढ़ा सर कि क्या है क्या है। आपको जानने लगा सर, आपको समझने लगा 2 ही दिन में कि आप क्या हो, क्या हो आप सबके लिए सर। उस दिन समझ में आने लगा 2 दिन में बहुत कुछ लगता भी था सर। बस सर एक बात सच बोलता हूँ, बस लगता था सर ये बस बोलते हैं क्या, ये सब इतना बड़ा बड़ा बात या सर। सर ये फीलिंग मेरे अंदर सर आई थी कि सर ये जो बोलते हैं हम लोग के लिए अपने बच्चों के लिए, ये सर लिटरली रियल लाइफ में ऐसे हैं या नहीं सर, ये भी जानना था, सब कुछ जानना था 2 दिन के अंदर सर हमको। क्योंकि सर आपको सर 2019 से हम देख रहे थे सर, लेकिन पता नहीं था कौन है विवेक गाबा सर। सेकंड क्लास आया, थर्ड क्लास आया और फोर्थ क्लास सर एक पागल सा खोज लगा कि विवेक गाबा कौन है, विवेक गाबा कौन है, क्लास परचेस करना है, क्लास परचेस करना है। लेकिन सर यू नो डैट कि सर कॉस्टली थी उसमें क्लास, 10,000 की क्लास की फ़ी थी। मैंने पता किया, मैं फिर चुप से बैठ गया कि यार सर तो 6 क्लास है, उस क्लास डालेंगे फिर तो क्या करूँगा मैं, तो कैसे भी करके सर मैंने सोचा चलो यार जब तक हो रहा है सर से, सर नहीं सर खुद बोलते हैं वीडियो बोलते हैं बेमानी मत करना अपने आप से सर।
मैंने जितना हो सका सर दिल लगाकर मन लगाकर अच्छे से 6 क्लास तक मैंने अच्छे से पढ़ाई की। और जब सर आपका वो बोला था ये आज लास्ट क्लास है, यूट्यूब पे फिर से अपलोड नहीं होगी, मैं बस चुप हो गया। अब क्या करूं? मैंने आपको बहुत सारे इंस्टाग्राम में मैसेजेस की कि सर एक क्लास और डाल दो, एक क्लास और डाल दो। सर जूनियर स्पीकिंग सर आपका सीन था, लेकिन सर हम मुझे सर एक ह्यूमन फीलिंग होता है, बुरा लगा कि यार एक आइडल आप मेरे लिए बनते जा रहे हो और सर आपने मैसेज छोड़ दिया। लेकिन कहने का एक चीज़ समझ में भी आया सर कि सर आपने एक लाइन बोला था ये मेरी रोजी रोटी है, हम मुझे भी कुछ देखना है। तो सर ये समझ के मैं चुप रह गया सर, कुछ मैंने रिएक्ट तक नहीं किया, मैं बस चुप सर घर में रह गया। ये बात मैंने किसी को नहीं बोली, कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप रह गया। बस फिर इसके बाद मैंने खुद से ही अपने टेक्स्ट को मैंने रख दिया मेरे कबर्ड के पास जहाँ वहाँ रख दिया, और फिर मैंने जो बाकी सब्जेक्ट से पढ़ाई है खुद से GIL की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जितनी खुद सुन लगी 1 महीने मैंने पढ़ाई किया, अच्छे से पढ़ाई किया, मन से पढ़ाई किया सर। और बार बार जो टेक्स्ट वाला लेक्चर था 6 का, मैं वो रिवाइज़ करता था पर डे आर्टिकल्स 245, 246, 248, टू सब जितनी आर्टिकल्स हमने पढ़ाई थी, बिल एक्ट क्या होता है, जैसे एक्ट रूल्स में क्या डिफरेंस है, मैंने सब मैंने पर डे पढ़ने लगा था ये सब चीज़ सर, बस याद रहे। और आपका सर मैंने फिर आपको सब्सक्राइब किया, उसी दिन मैंने सब्सक्राइब कर लिया था पहले। और सर बस सर बहुत कुछ फीलिंग आने लगी थी सर आपको देख के कि यार विवेक गावा, विवेक गावा सर कुछ तो सर एक पता नहीं सर आपसे कनेक्शन सा बन गया सर। सर सर 12th तक सर या BCom 3rd ईयर तक मेरी किसी से टीचर से कनेक्शन नहीं बनी जितनी आपसे बनी सर। आपसे सर जो मिला है ना सर वो सर हमको कभी नहीं मिलेगा सर। सर आई नो ये आपको हर बच्चे बोलते होंगे सर, हर लोग बोलता होगा सर ये आप आइडल हो मेरे लिए सर। सर आँख में आंसू आ जाता है सर सोच कर। सर बहुत कुछ मौका मिला है सर आपके से, आपसे हम बात किए थे सर पहली बार फ़ोन पे सर, सर हम काँप रहे थे सर पता नहीं क्यों सर, एक टीचर से ही बात कर रहे थे, एक भाई से ही बात कर रहे थे सर, बहुत मिक्स फीलिंग थी, लेकिन हम कुछ बोल नहीं पाए आपको सर। जैसे ही आपने हाँ जी बोला सर मैं बस मैंने कुछ भी पता है सर मैंने बस फालतू का कॉल किया था बस आपकी आवाज़ सुनने के लिए, मैंने कुछ बोल दिया सर मुझे ये सब डाउट है आपने से बता दिया, मुझसे मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं बस आवाज़ सुन के बस सुनते रह गया। बस था कि सर रोल मॉडल है मेरे सामने खड़े मेरे सर। और सर हम सर हाँ सॉरी सर सर अप्रैल में सर आपने ये स्कीम निकाला सर कि ये क्लास आप दे रहे हो सबके लिए जो जो लॉकडाउन हो चुका था सर। और मैंने जस्ट देखा यूट्यूब पे, मेरे रात में देखा नोटिफिकेशन आई हुई है कि यूट्यूब पे एक आपने डाली है कि जो स्टार्टिंग 1 दिन के लिए 4000 में लेक्चर मिल रहा है सर। ये देख के लगा कि यार या तो भगवान ने मेरी सुन ली या आपने मेरी सुन ली सर। सर जो लड़का आज से एक तरस रहा था सर लेकिन घर में बोल नहीं पा रहा था कि यार कॉस्टली क्लास है कैसे खोले कैसे बोले, सही बात पर मैंने दादी को बताया सर, दादी को दादी बोली ठीक है, वो मुजफ्फरपुर में रहती हैं, बोले कि कैसे पैसा लेने आओगे कैसे करोगे। तो सर मैंने जस्ट से पापा बोला पापा एक सर हैं विवेक आबा हैं वो सर, मैंने उनसे पापा क्लास भी ली थी, क्लास मैंने देखी यूट्यूब पर मुझे बहुत अच्छे समझ में आई, मैं उनका क्लास करना चाहता हूँ, बहुत हिम्मत करके बोला सर। पापा बोले कि समझ में आ रहा है, हम बोले हाँ पापा बहुत अच्छे से आ रहा है और बहुत मन है पढ़ने का, बहुत मन है हमको पढ़ने का पापा। पापा बोले ले लो सर। उस दिन जो खुशी मिली थी ना सर, बस उस दिन खुशी मिला था कि पापा को प्राउड फील करवाना है सर, एक भरोसा कर रहे हैं और सेकेंड सर आपको प्राउड फील करवाना है सर। सर मैंने क्लास परचेस की 4 अप्रैल को मैंने क्लास परचेस की सर, वो नोटिफिकेशन आया कि आपने क्लास ले ली सर। और जैसे ही मैंने लिंक खोला सर मुझे लगा कि यस मैं अब देख रहा हूँ सर। सर उस दिन से मैंने 1 दिन भी चीट नहीं किया सर, मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए अपने, पर डे क्लास देखी, कुछ दिन क्योंकि कुछ दिन गैप होते थे, कुछ रीजन से गैप होते थे सर, मैंने एफर्ट्स पूरे लगाए सर अपने। हाँ सर बहुत खुशी भी हुआ सर। पता है आपको कुछ कुछ बात आई नो सर बोर हो गया, पता नहीं सर आप सुनोगे या नहीं सुनोगे सर, बस एक फीलिंग था सर, मैं बस बोलना चाहता था सर आपके सामने सर। प्लीज़ सर आप अगर कभी मौका मिले ना सर ये प्लीज़ आप 10 गल के सर प्लीज़ सुन लेना, आई नो सर बोर हो जाओगे बस सुन लेना सर, एक पता नहीं सर सुन लेना बस सर। क्लास करता था ना तो मम्मी सर आके मम्मी देखती थी ना कि यार मम्मी का पैर रहता था कि यार
मतलब मम्मी भी इतनी भोली हो गई थी कि ये सर समझ कैसे लेते हैं कि तुम्हारे तुम लोग के मन में चल क्या रहा है, मतलब कि हाथ ऊपर करो एग्जाम्पल, चलो चलो तुम सीधे बैठ जाओ। सर मैं लेट रहता था ना, सपोज लेटा हुआ हूँ, आप बोले चलो तुम सीधे बैठो, तो सर मम्मी लगता था अरे यार कैसे, ये कौन है जो एक बार समझ जाते हैं कि आप तुम लोग कर क्या रहे हो। तो ये सब से सर और रिस्पेक्ट बढ़ने लगा सर, या सर बहुत एक डेवलप होने लगा सर, यार कितने आप समझते हो आप हम लोग को सर। सर ये सब छोटी छोटी चीज़ें सर ना बहुत इफेक्ट डाल रही थी अंदर से, पढ़ाई में भी सर और हर कुछ में सर। सब पर डे आपसे कनेक्ट होते थे सर, पर डे सर, और सब कुछ दिन में ही सर, अच्छे से पहले का पास्ट और अभी का पास्ट सब मिक्स करके सर एक फैमिली बन गए सर। ऐसा वो फैमिली जो सर जो कभी खोना नहीं चाहते सर हम, हर चीज़ से कुछ भी सैड होते थे क्लास लगा के बैठ जाते, समझ में आता था सर, समझ में सब आता था लेकिन बैठ जाता था सर। दिन कैसे बीता बिल्कुल पता नहीं चला। हाँ सर कभी कभी कुछ चीज़ समझ में नहीं आया सर, कभी कभी लगता था कि आप लेट रिप्लाई करते हो, कभी कभी था सर सर झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, आपसे झूठ क्यों बोलेंगे सर हम, आई नो सर आप हमेशा बोलते हो मेरे में कुछ ड्रॉबैक है आप जरूर बताओ। हाँ सर कभी कभी ऐसा होता था कि सर कि सर कुछ डाउट हुआ तो मैंने आपको पैसे क्या आपने रिप्लाई नहीं दिया, मैं समझता था सर लेकिन मैं करता भी क्या, किससे पूछूं अगर सर मुझे डाउट हो ये तो, मैं सर आपसे ही पूछूंगा सर। आप खुद बोलते थे कि आप पैसा बर्बाद मत करना, अगर है तो हम हैं हमसे पूछो सर, फ़ोन करता आप पिकअप नहीं करते थे सर। गुस्सा भी आता था कि सर गुस्सा इसलिए आता था सर आप कितना मान रहे हैं और सेम वो चीज़ नहीं मिलता तो हर्ट हो जाते थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन सर समझते थे एट लास्ट सर आप भी बिज़ी हो, आप हम लोग के लिए बिज़ी हो। तो सर बहुत एफर्ट्स आपके जितने एफर्ट्स आप लगाते थे सर उसका हर चीज़ का मैंने सर हर डे रिस्पेक्ट किया सर, हर डे रिस्पेक्ट किया है सर। कभी आपके बारे में सर कुछ गलत नहीं बुरा नहीं, हाँ सर गुस्सा आया है फैक्ट है सर, झूठ नहीं बोलेंगे बिल्कुल फैक्ट है सर, लेकिन उस तरह रिस्पेक्ट है सर। सर मैंने हर क्लास को समझी, मैंने हर चीज़ को समझा, हर चीज़ को जाना ऐसा क्यों है, टैक्स क्या होता है, GST क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, मैंने पढ़ा सर। बहुत लोग बोलते थे क्यों पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव देना है रट के पास हो जाओगे, नहीं पता नहीं सर पढ़ने का जुनून था सर, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते थे सर। और एक ड्रीम बन गया था सर जब मैंने आपकी फर्स्ट क्लास देखी थी कि विवेक गावा सर से क्लास लेना है मुझे सर। एक पहले जो कभी सर नहीं निकला सर वो आपके लिए सर निकला था सर, उस दिन के बाद से फेब के बाद से एक आइडल बन चुके थे सर आप मेरे लिए सर। सर सर पहले के लिए सॉरी सर, जो पहले सोच था मेरा सर, लेकिन जनरली सर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर आपको सर, हद से रिस्पेक्ट करते हैं सर आपको। आफ्टर माई फैमिली आफ्टर माई ऑल माई क्लोज वंस आप मेरे लिए सबसे आइडल हो सर, थैंक यू सो मच सर। सर क्लास ख़त्म हो चुकी है मेरी सर, लास्ट क्लास था सर, आप जैसे बोल रहे थे सर रोना रो रहे थे सर बैठ कर, लग रहा था कुछ चीज़ छिना जो दूर हो रहा है सर हमसे, वो सर मिक्स फीलिंग थी सर, बहुत कुछ मिक्स फीलिंग थी। आपकी बातें सर, आपके डांटने का तरीका, आपके हंसाने का तरीका सर, वो सब कभी नहीं सोचे थे सर मिलेगा सर हमको, कभी नहीं सर। वो गूगल सर बस एक बात है सर, ये लास्ट है सर, हम बिल्कुल फिर नहीं बोलेंगे सर। आपकी पहली यूट्यूब की जो आप अभी संडे को डाल रहे हो सबके लिए ओपन की होगी या कुछ डाउट रहता है, तो आपकी फर्स्ट डाउट थी सर, सबसे पहली बार आप यूट्यूब पे आए थे लॉकडाउन में, फर्स्ट दिन टाइमिंग था 9:30 बजे सर, और पहला बच्चा सर अमनदीप सर मैं था, और सर आपका एक लाइन था सर आपने मुझे देखा ना हेलो अमनदीप सर, वो चीज़ सर हम बस देख रहे हैं सर, हमको देख रहे हैं विवेक गावा सर, मम्मी तुम देखो देखो मम्मी देखो सर हमको देख रहे हैं सर, मैं सर बता रहा था मम्मी देखो सर म्यूट करके, सर देखो मम्मी मम्मी हमको सर देख रहे हैं, मम्मी सर देख रहे हैं हमको सर। ये चीज़ बहुत मायने रखती है सर। सर आपका सर मैंने उस दिन आपसे बहुत सारी क्वेश्चन पूछी लेकिन बोल नहीं पाया, ये सब बात जो आज मैं बोल रहा हूँ सर, शायद हिम्मत नहीं आया या ब्लैंक था कि यार कैसे बोलूँ क्या बोलूँ। सर आपने सर ना देखे सर बहुत सारी विशेष मेरी पूरी कर दी सर, आपसे पढ़ने का विश पूरा हो गया, टैक्स क्या होता है वो समझने का विश पूरा हो गया, आपसे बात करने का विश पूरा हो गया सर। और सर सब कुछ एक बात था सर, एक प्लीज़ सर आप अगर समझना सर, आप अपने लाइफ के बारे में सबको बताते भी हो, सब कुछ जानते भी हो, समझाते भी हो क्या सही है क्या गलत है, हम लोग के लिए इतना सोचते भी हो सर। सबसे एक रिक्वेस्ट थी सर, अगर आपको सही लगे सर, सर आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपने कैसे स्टेज तक सफ़र की है, आप कहाँ से यहाँ तक कैसे आए हो, आपने कभी डाउनफॉल्स देखी या नहीं देखी सर, ये प्लीज़ शेयर करना सर। आप
कभी कभी लगता है ना सर, आपने आप में इतना एक्सपीरियंस है ना सर, जो आप शेयर करते हो, लगता है कि बाबू सर सर क्या क्या चीज़ देख चुके हैं, किससे देखे, इतना कैच किए, जो सर को इतना समझ है, सर आप समझ रहे होगे। सर बस एक जानना था कि सर विवेक गावस्कर की लाइफ की स्टोरी क्या थी, विवेक गावस्कर कहाँ से यहाँ तक कैसे आए, कितने उन्होंने मेहनत की। सर प्लीज़ सर, आप सबके लिए वीडियो बनाते हो, बहुत सारे टीचर्स CSCs बनते हैं, वीडियो बनाते हो। सर प्लीज़ सर, एक वीडियो सर आप अपने लिए बना के डालो सर। सर एक ये रिक्वेस्ट था सर, ये बहुत प्यारे बोलने वाले सर आपको बोलने वाले, लेकिन उसमें सही नहीं लगा बोलना सर, अभी बस बोल रहा हूँ सर, आपको जो सही लगे सर तब। तो सर बस यही बात था सर, लास्ट में सर यही बोलेंगे सर, थैंक यू सो मच सर, आई विल मेक यू प्राउड सर, आई विल मेक यू प्राउड सर। जितना एफर्ट्स होगा मैं अपना सारे एफर्ट्स डालूंगा सर। कुछ चीज़ समझ नहीं आती है सर, मैं अभी रिवीजन करना शुरू कर दिया है सर, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, जो डाउट होगी सर मैं मैसेज करता ही रहूँगा जब तक मैं सीन ना करूँ सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर। सर आप जो, आपके ऐसा कोई नहीं है, ये फैक्ट है सर। आई नो ये सब लोग आपको बोलते हैं सर, लेकिन सर कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं सर, अगर सर मेरे आईज में अभी आंसू है सर, वो मीन बहुत करता है सर। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू सर, टेक केयर सर, हमेशा से आप हैप्पी रहिए सर, सिर्फ मेरी फैमिली की, मेरी मम्मी की, मेरे फादर की, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है सर। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट।